आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रंग पंचमी का पावन पर्व है। इस दिन देवी देवताओं के साथ होली खेली जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं। रंग पंचमी हर वर्ष होली के बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को समर्पित रंग पंचमी के इस पर्व को देव पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन देवी देवताओं को साथ होली खेलने पर वे सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। रंग पंचमी के महत्व को देखते हुए इसका एक और नाम प्रचलित है, जिसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन देवताओं संग रंग गुलाल खेलने पर घर में श्री अर्थात धन समृद्धि की वृद्धि होती है। रंग पंचमी के दिन शरीर पर रंग नहीं लगाया जाता, बल्कि रंग को हवा में उड़ाया जाता है, और जब रंग हवा में उड़ता है तब तमोगुण और रजोगुण का नाश होता है। इसके नाश होने के बाद सतोगुण में वृद्धि होती है। प्राचीन काल में जब होली का पर्व कई दिनों तक मनाया जाता था, तब रंग पंचमी के दिन को होली का अंतिम दिन माना जाता था और इसके बाद कोई रंग नहीं खेलता था। वैसे तो इस पर्व को देश के कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की धूम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी, इसीलिए इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग अर्पित किया जाता है। रंग पंचमी को लेकर एक अन्य पौराणिक कथा भी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, तब पूरे देवलोक में उदासी छा गई थी। सभी देवी देवता चिंतित हो गए थे कि बिना कामदेव के किस तरह संसार को चलाया जाए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और जीवित होने का आश्वासन दिया। ऐसा करने से पूरे देवलोक में देवतागण आनंदित हो गए थे और रंग उत्सव मनाने लगे। तभी से हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। तो यह थी रंग पंचमी मनाने के पीछे की पौराणिक कहानी। एक बार और आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।